ये पे ये जंगल में नीचे। अच्छा, थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए, स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग आज खास होने वाला है, आप देख सकते हैं। आज सबसे पहले तो आप मेरे पीछे आज का मौसम देखिए कि कितना खूबसूरत मौसम आज का है राजगढ़ी में। और आजकल सावन का महीना है और चारों तरफ हरियाली आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कितनी हरियाली आजकल रहती है सावन के महीने में। और मौसम दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले, तो कितने सारे यहाँ पे बादल आ चुके हैं, मतलब चारों तरफ बादल है। और आज सुबह से बारिश हो रही थी इसलिए मैं सुबह ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो अभी ये ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा आज मौसम है। और ये मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर यमुना जी बहती हैं यहाँ से, और इधर का जो रूट है ये इधर है यमुनोत्री आपके सामने। और आपको दिख रहा होगा ये राड़ी का इलाका है इधर, और इधर मेरा घर है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। घर जा ही रहा था, मुझे रास्ते में चिल्लर पार्टी मिल गई और इन्होंने हाथ दे दिया कि रोक लो रोक लो। अब इतना हाथ दे दिया है कि मतलब मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो इनको हटाने की कोशिश करते हैं और खुद निकलते हैं आगे। तो मिलते हैं घर पे आप सब सभी से। और वैसे आपको एक और बात बतानी है, आज आने वाली है गैस की गाड़ी। आज महीने का लास्ट है तो आज गैस की गाड़ी आ जाएगी आई गैस, तो देखते हैं अगर आएगी तो ठीक है। बच्चे होंगे लेकिन यहाँ तो बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। सो गाइस, अभी मैं जाता हूँ कंप्यूटर वाले की दुकान पे, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड निकालना है। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कहाँ पे है साइबर कैफ़े की दुकान। तो चलते हैं फटाफट और अपना एडमिट कार्ड निकालते हैं जल्दी से। मैं कंप्यूटर वाले की दुकान पे आ चुका हूँ और जाते हैं और फटाफट से अपना काम करवाते हैं, फिर चलते हैं घर। काम तो मेरा हो चुका है और मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि एडमिट कार्ड आ गया मेरा। की गाड़ी आज आ सकती है तो मैं फटाफट से गैस निकालता हूँ बाहर और रख देता हूँ सड़क पे, तो जैसी गाड़ी आएगी वैसे भरवा दूंगा। तो निकालते हैं गैस को फटाफट। ये पे ये जंगल में नीचे। अच्छा, तो ये आपको कैसे पता चला कि ये सही है, मतलब हमने खाया ना पहले। अच्छा, आपका तजुर्बा बोलता है कि सही है। हाँ। अच्छा, थोड़ा देख सकते हैं हाथ में? हाँ, देख लो। सो गाइज, ये होता है मशरूम, ये पहाड़ी मशरूम आप कह सकते हैं इसे, और ये मिलता है जंगलों में और ये अंकल इसे लाए हैं और सब्जी बनाएंगे आप इसके आज। बढ़िया करके। हाँ। चलो बढ़िया है। अरे ये मिल गया ना, बहुत बढ़िया। इधर होगा सर, इस साइड। अच्छा, इस जंगल में इधर ना। अच्छा, यहीं से लाए थे आप ना? अभी इधर से लेंगे आप। अच्छा, दादा ने दिया था अभी एक काम, बीन तोड़नी है तो मैंने तोड़ ली है और हम बनाएंगे अभी बीन की सब्जी। तो चलते हैं और बनाते हैं बीन की सब्जी। सो गाइस, अभी दादा कर रहे हैं सब्जी काटने का काम और बनाते हैं फिर बीन की सब्जी। एक और काम दादी ने बता दिया है, मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा अभी मार्केट और मुझे दादी के फोन पे अभी रिचार्ज करवाना है, तो दोबारा से जाना पड़ेगा साइबर कैफे और रिचार्ज करके आते हैं फिर। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में हमने देखा पहाड़ी मशरूम जो कि ईजिली इन जंगलों में मिल जाता है और ये बरसात के टाइम पे होता है, तो वैसे तो ये काफ़ी टेस्टी होता है खाने में क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है और जंगली सब्जी है तो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये एक डेंजरस चीज़ भी हो जाती है, जैसे कि आप गलती से किसी दूसरे मशरूम को ले आते हैं घर में और वो होता है जहरीला, तो इसका काफ़ी बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा मशरूम सही है कौन सा नहीं है। लेकिन वो अंकल एक्सपीरियंस थे, मतलब उन्हें पता था और उन्होंने पहले कई बार खा रखा है वो चीज़, तो उन्होंने एकदम सही मशरूम लाया था, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। पर अगर आप लोगों ने भी पहाड़ी मशरूम खाया हो, मतलब जंगली मशरूम, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक
बाय।